बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत वैसे तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब वो ऋतिक रोशन के साथ अपनी टशन को लेकर फिर से चर्चाओं में हैं। अभी तक माना जा रहा था कि उनके और ऋतिक रोशन के बीच हुआ झगड़ा अब शांत हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के बीच का झगड़ा एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। दरअसल अब ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच समन भेजेगी। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के ईमेल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जांच कर रही है। ये जांच ऋतिक रोशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है। इस बीच खबर सामने आई है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जल्द ही ऋतिक रोशन को इस मामले में पूछताछ के लिए समन भेजेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट इस हफ्ते ऋतिक रोशन को अपना बयान देने के लिए बुलाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन के 4 साल पुराने केस को जांच के लिए क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे पहले कंगना रनौत से जुड़े इस केस की जांच साइबर पुलिस कर रही थी। ऋतिक रोशन के वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से केस ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर ऋतिक रोशन पर निशाना भी साधा था। कंगना ने केस ट्रांसफर करने की खबर के वीडियो को शेयर किया और ऋतिक को टैग करते हुए लिखा था कि एक छोटे से अफेयर के लिए कब तक रोएगा। कंगना ने इस ट्वीट में लिखा था, इसकी दुख भरी कहानी फिर शुरू हो गई है। हमारे ब्रेकअप और उसके डिवोर्स को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। किसी और महिला को डेट करने से भी इनकार कर दिया है। जब मैं अपनी निजी जीवन में कुछ आशा पाने के लिए साहस जुटाती हूँ तो वो फिर से वही नाटक शुरू कर देता है। कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए। वही आपको याद दिला दें कि साल 2016 में ऋतिक रोशन ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति एक्ट्रेस कंगना रनौत के नाम पर बनी ईमेल आईडी से उन्हें लगातार ईमेल कर रहा था। उस समय कंगना ने दावा किया था कि ऋतिक रोशन द्वारा उन्हें ये ईमेल आईडी दी गई थी और वो 2014 तक उसी ईमेल आईडी के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके बाद 2016 में ही ऋतिक रोशन ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेजा था। ये नोटिस कंगना द्वारा ऋतिक रोशन को बेवकूफ एक्स बुलाए जाने पर भेजा गया था। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का ये ईमेल केस उस वक्त खूब चर्चाओं में रहा था। ऋतिक रोशन शुरू से ही कंगना के साथ अपने अफेयर की बातों को हमेशा नकारते आए हैं, जबकि कंगना रनौत अपने एक इंटरव्यू में दावा कर चुकी है कि वो ऋतिक रोशन के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी। वही आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने साल 2010 में फिल्म काइट्स और साल 2013 में फिल्म क्रिश में साथ में काम किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।